धर्मा लाइफ पर मैं हूँ आपके साथ चेतना। जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत जो है वो होने ही वाली है और आज हम आपके लिए प्रभु जगन्नाथ की ही कथा लेकर आए हैं। प्रभु जगन्नाथ का अपने भक्तों के लिए प्रेम सर्वोपरि है, ऐसे ही एक महान भक्त की कथा और कैसे जगन्नाथ ने उसके और उसके परिवार की रक्षा करी, इसी के बारे में हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। मगर उससे पहले जल्दी से हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो प्राचीन काल में अर्जुन मिश्रा नाम का एक ब्राह्मण था। अर्जुन गरीब था और अपने परिवार का भरण पोषण लोगों से भिक्षा मांगकर करता था। उसके प्रभु जगन्नाथ में अटूट श्रद्धा थी और वो हर कर्म को भगवान की इच्छा समझकर ही करता था। शास्त्रों का ज्ञाता तो वो था ही, वो गीता का भी रोज पठन पाठन किया करता था और इस कारण उसे सब गीता पांडा पुकारते थे। एक बार पुरी में घनघोर वर्षा हुई जो कि 7 दिन तक चली। गीता पांडा बाहर भिक्षा मांगने नहीं जा पाया, बस घर पर बिना विचलित हुए गीता का पाठ करता रहा। पर गीता पांडा के बीवी बच्चे ये सह ना सके। उसकी पत्नी को बड़ा गुस्सा आया और वो गीता को ताने देने लगी और उसे बाहर जाकर बच्चों के लिए भोजन अर्जित करने को बार बार कहने लगी। मगर गीता पांडा ने उसे गीता का ही श्लोक सुनाया और उसे बताया कि प्रभु उनका मन से ध्यान करने वालों की हमेशा रक्षा करते हैं। मगर उसकी पत्नी को तो गुस्सा आ ही गया था। भूख से बिलखते बच्चों को देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया और उसने गीता पांडा की गीता का एक पृष्ठ जो है उसका श्लोक काट दिया। इसके बाद बच्चों को चुप कराकर वो सो गई। सुबह उठी तो उसके दरवाजे पर 2 सुंदर नवयुवक खड़े थे। उनके हाथों में बहुत सारा अनाज और खाने पीने का सामान था। गीता पांडा की पत्नी ने उनसे आने का प्रयोजन पूछा तो नवयुवकों ने बताया कि वो उसके पति के मित्र हैं और खाने पीने का सामान लेकर आए हैं। उस औरत को नवयुवकों पर ममता जाग उठी और उसने आग्रह किया कि खाना बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, आप लोग अतिथि हैं, प्रसाद ग्रहण करके जाएं। मगर नवयुवकों में से एक ने जवाब दिया, देवी हम खाना नहीं खा पाएंगे, दरअसल हमारी जीभ कटी हुई है। ऐसा कहकर वो दोनों चले गए। थोड़ी देर में जब गीता पांडा आया तो उसकी पत्नी ने उसे सारा हाल कह सुनाया। गीता पांडा समझ गया कि उसकी पत्नी ने गीता के श्लोक को जो काटा था वो प्रभु के मुख कमल पर अंकित हो गया, जिससे उन्हें कष्ट हुआ और उसकी पत्नी को समझ आ गया कि प्रभु हमेशा अपने भक्तों की जरूरत का ख्याल रखते हैं। तो ये थी आपके लिए जगन्नाथ और उनके महान भक्त गीता पांडा की कथा। कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए धर्मा लाइव।